आई वर अ बर्ड, अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं कि वर आई अ बर्ड, तो भी ये कंडीशन इमेजिनरी का ही होगा। हेलो वन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस सेशन में आप सबका स्वागत है, जो कि आपके ही सफलता के मार्ग में एक मददगार के रूप में आपके लिए लाया जा रहा है। जी हाँ, ठीक ही कह रहा हूँ। SBI PO और क्लर्क एग्जामिनेशन को देखते हुए ये सीरीज आप तक लाया जा रहा है, और इसमें अब तक जितने भी एरर स्पॉटिंग के वीडियोस आप तक पहुँचाए गए हैं, समझता हूँ कि आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा और आप अगले सेशन का इंतजार कर रहे होंगे। तो लीजिए, मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए सीरीज के साथ, फिर से कुछ सवाल, कुछ कीज और कुछ समस्याओं का हल। जी हाँ, आइए देखते हैं आज क्या है इस एपिसोड में आपके लिए। तो देखा जाए, सबसे पहले जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि इफ एवरीवन विल वर्क हार्ड, ही और सी विल सर्टेनली गेट सक्सेस इन हिज और हर लाइफ विदाउट एनी डाउट। जी हाँ, अब यहां पर जो सवाल में दिया गया है उसको शुरू करने से पहले, इस सवाल के एरर को बताने से पहले, मैं यहां पर इससे रिलेटेड जो की है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, समराइज करूंगा, क्योंकि इसका की थोड़ा जो है बृहद पढ़ने लायक है। जब वो रेगुलर सेशन मेरा अपलोड होगा तो उस टाइम पर हम इस पर विशेष बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर जो की है उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो की रिलेटेड है, रिलेटेड टू क्लॉज। जी हां, ये दो तरीके का होता है, एक है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को आप कंप्लीट क्लॉज भी कह सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को इनकंप्लीट क्लॉज। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ऐसा सेंटेंस, जी हां, ये क्लॉज एक स्पेशल तरीके का सेंटेंस है, और इसके डेफिनेशन पर और विशेष बातें हम इसके एपिसोड में रेगुलर जब आएंगे तब करेंगे। फिलहाल यहां पर मैं बता दूं कि प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस है जो अपने मीनिंग के लिए किसी पर भी आश्रित नहीं होता है, ये अपने सेंस में कंप्लीट होता है। दैट मींस कि ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस देता हो, सेंटेंस विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज, एंड अ सेंटेंस विच डजंट गिव कंप्लीट सेंस इस कॉल सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब यह है कि जब वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा, इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी पर आश्रित होगा, या तो वो प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होगा या किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पर होगा। कहने का मतलब है कि इसकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं होगी इसके कंप्लीशन के लिए, सेंस कंप्लीशन के लिए। जब हम सेंस कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस वही होता है जो सेंस कंप्लीट दे, तो यहां पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कभी भी प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट के माध्यम से एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना चाहेंगे तो मुझे उसे पेयर में लिखना पड़ेगा। मतलब एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ अगर हम एक प्रिंसिपल क्लॉज लिखते हैं तब वो कंप्लीट सेंस देगा। और यहां पर जो इस सवाल का की है वो इसी से रिलेटेड है। तो जो यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज का एक पेयर बनेगा और वही एक कंप्लीट सेंस देगा, तो यहां पर जो SC लिखा मैंने, SC स्टैंड्स फॉर सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड PC स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्लॉज। तो जब कभी भी हम PC में लिखेंगे, अगर SC में मेरा प्रेजेंट इनडेफिनेट का सेंटेंस है तो PC में फ्यूचर इनडेफिनेट होगा, यानी फ्यूचर सिंपल के सेंटेंस होंगे, फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस होगा, या एज गिवन जैसा दिया हुआ है, अगर कैन लगाकर सेंटेंस है, मे लगाकर सेंटेंस है तो लिखेंगे, लेकिन उसका जो है पास्ट फॉर्म कभी नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। जैसे कि आप देखें कि आप अगर यहां पर बात करते हैं कि ये इसका पहला है, फिर इसमें दूसरा देखा जाए कि दूसरा जो यहां पर आएगा वो आएगा कि अगर आप पास्ट लिख रहे हो, सिर्फ पास्ट, हम इसमें वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट सिंपल की बात नहीं कर रहे हैं, तो जब आप इसे पास्ट में लिखते हैं तो आपको प्रिंसिपल क्लॉज वुड के साथ लिखना पड़ेगा या एज गिवन का पास्ट लिखना पड़ेगा। जी हां, एज गिवन का आपको यहां पर पास्ट लिखना पड़ेगा। फिर तीसरा, जब हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को V2 लिखते हैं तो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज में हैड प्लस V3 हमें लिखना होता है, और जब हम इसे
सबॉर्डिनेट क्लॉज को हैड प्लस भी3 से लिखते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज में हमें वुड हैव प्लस भी3 से लिखना होता है। कहने का मतलब है कि ये कॉम्बिनेशन फिक्स है और इस कॉम्बिनेशन में आप एक बात देख सकते हैं कि यहां पर सबॉर्डिनेट क्लॉज में कहीं पर भी फ्यूचर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मैं आपको यहां पर एक बात ध्यान दिला दूं कि सबॉर्डिनेट क्लॉज में कभी भी फ्यूचर का कोई भी फॉर्म यानी कि विल या विल का कोई फॉर्मेट यूज नहीं होगा और अगर किया गया है तो वो गलत है। अब देखिए सबॉर्डिनेट क्लॉज के बारे में आप मैं समझता हूं कि आपके पास ये जानकारी होगी जो मैंने आपको दिया है कि कोई भी सेंटेंस अगर आपको सेंस में इनकम्प्लीट लग रहा है और उसमें एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो वो सबॉर्डिनेट क्लॉज है। जब ये रेगुलर सेशन में आएंगे हम इस पर विशेष बात करेंगे तब मैं डिटेल से सारी चीजें यहां पर समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इस सीरीज को देखते हुए ये चार चीजें आप फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखें। हर बार जब ये सवाल 10 अगर एरर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें एक या दो क्वेश्चन की उम्मीद की जा सकती है। इस पोर्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत सारे सवाल इससे आते हैं। तो चलिए जो मेरा पहला सवाल यहां पर दिया गया है उस सवाल में क्या दिया हुआ है कि इफ एवरीवन विल, अब यहां पर देखिए सेंटेंस की शुरुआत है इफ, यानी कि यहीं से कंडीशन की शुरुआत है कि इफ एवरीवन विल, यहां पर विल का प्रयोग गलत है क्योंकि मैंने अभी अभी पढ़ा है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज में कभी भी हम फ्यूचर या उसका कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसीलिए जो यहां पर हमारे इस सवाल में जो ए पोर्शन है जहां पर विल लगा हुआ है इसका प्रयोग गलत है और अगर हम इसे हटा दें तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा और इसीलिए इस सेंटेंस का जो आंसर होगा वो होगा ए, मतलब इसके ए हिस्से में एरर है। और अब यहां पर जो फाइनल सेंटेंस इसके बाद बनेगा वो बनेगा इफ एवरीवन वर्क्स हार्ड ही और सी विल सर्टेनली गेट सक्सेस इन हिज और हर लाइफ विदाउट एनी डाउट। मैं समझता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार यहां दोहरा दूं ये चार पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज इफ यू राइट योर सबॉर्डिनेट क्लॉज इन प्रेजेंट सिंपल यू हैव टू राइट प्रिंसिपल क्लॉज इन फ्यूचर सिंपल और एज गिवन बट इन प्रेजेंट। And the second one, if you write your subordinate clause in past, you have to write your future with would or as given in past. If you write your subordinate clause in with V2, you have to write your principal clause with had plus V3. And if your subordinate clause contains had plus V3, you have to write would have plus V3 in principal clause. चलिए अगला सवाल देखा जाए। तो यहाँ दूसरा सवाल जो है कि if Ranjan was the ward commissioner. If Ranjan was the ward commissioner of my locality, he would work wonders. अब यहां पर देखिए कि if के साथ है और यहां पर कौन सी बात हो रही है। तो यहां जो की है उस की के लिए मैं बता दूं कि imagination, क्योंकि सेंटेंस को पढ़कर ऐसा लग रहा है, सेंटेंस को पढ़कर मुझे यह पता चल रहा है कि रंजन जो है वो अभी मेरे वार्ड का कमिश्नर नहीं है। हमारे वार्ड का कमिश्नर यहां कह रहा है सवाल में कि इफ रंजन वाज द वार्ड कमिश्नर ऑफ माय लोकेलिटी, अगर वो ऐसा होता दैट मींस इट्स अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन की दो बातें आप ध्यान रखिए कि अगर आप प्रेजेंट इमेजिनेशन को लिख रहे हैं अपने सेंटेंस में, इफ आई गोइंग टू राइट प्रेजेंट इमेजिनेशन इन योर सेंटेंस, आपको वर्ड लिखना पड़ेगा और ये वर्ड सिंगुलर प्लुरल बिल्कुल नहीं देखता है, ये सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल होता है, प्लुरल के साथ भी इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स इफ आई वर किंग, अगर ऐसा मैं बोलता हूं इसका मतलब है कि अगर मैं राजा हूं, और ये हमारे प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखाता है। इफ आई वर अ किंग, इफ ही वर यू, अगर वह तुम होता, जो कि है नहीं, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है, ही अलग है, यू अलग है, लेकिन अगर हम उसके साथ वर्ड लगा करके इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रेजेंट इमेजिनेशन को दिखा रहे हैं। तो जैसे यहां पर हम लिखें एग्जांपल में कि इफ आई वर अ बर्ड, मतलब यह है कि मैं चिड़िया हूं नहीं, मैं ये इमेजिन कर रहा हूं प्रेजेंट टाइम में कि अगर मैं चिड़िया हूं। तो यहां पर जो सवाल है उस सवाल को इस लिहाज देखा जाए तो यहां पर क्या कह रहा है कि इफ रंजन वॉज द वार्ड कमिश्नर ऑफ माई लोकैलिटी, जी हाँ, इफ यहां पर जो मेरा सवाल में गड़बड़ है वो दिख रहा है स्पष्ट, इफ रंजन वर द वार्ड कमिश्नर ऑफ आर लोकैलिटी। अगर हम यहां पर ए पोर्शन, फिर से इस सवाल में जो है ए हिस्से में यहां पर वॉज लिखा गया है और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ बंधु, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इफ यू हैव टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन ऑफ प्रेजेंट एंड यू हैव टू राइट वर्ड इन योर सेंटेंस, और ये वर्ड कभी भी सिंगुलर प्लुरल फॉलो नहीं करता है क्योंकि एक्चुअली ये हेल्पर है नहीं, हेल्पिंग वर्ब की तरह ये काम नहीं करता। इसको आप इमेजिनेशन टूल कह सकते हो कि ये इमेजिनेशन के लिए ही सेंटेंस में लिखा जाता है कि इफ
सीता वर प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके का हम इमेजिनेशन जब करें प्रेजेंट में तो हम वहां पर वर इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसी की को एक्सटेंड करते हुए मैं यहां एक बात और बता देता हूं, मुझे फिर से इस पर दूसरे एपिसोड को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम पास्ट इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, अब हम टॉकिंग अबाउट पास्ट इमेजिनेशन, तो इस पास्ट इमेजिनेशन के लिए हम हैड बिन का इस्तेमाल करेंगे। जी हां, हैड बिन का इस्तेमाल करेंगे या हैड प्लस उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी रख सकते हैं, बट हैड बिन बेटर है, आप हैड बिन का इस्तेमाल करें। यहां पास्ट इमेजिनेशन यानी कि जैसे कि मैं अगर वहां गया होता तो उससे मिला होता, मैं गया नहीं, ये इमेजिनेशन है मेरी जो कि बीत चुकी है, पास्ट टाइम इमेजिनेशन है। तो इसके लिए जब हम यूज करेंगे तो हम हैड बिन का प्रयोग करेंगे। और अगर वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जब हम किसी चीज की लैक ऑफ समथिंग दिखाएंगे, किसी चीज की कमी खले, तो हम वहां पर हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं इफ आई हैड माइंड, काश मेरे पास दिमाग होता। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि ये तीन चीजें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। यहां पर ये ध्यान रखिए कि पहला जो मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट था, और यहां जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये कि अगर आपको प्रेजेंट इमेजिनेशन लिखना है अपने सेंटेंस में, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस प्रेजेंट इमेजिनेशन इन योर सेंटेंस यू हैव टू राइट वर्ड, एंड इफ यू हैव टू राइट एक्सप्रेस पास्ट इमेजिनेशन यू हैव टू राइट हैड बीन, और अगर वर्तमान समय में किसी चीज की कमी खले तो आप उस सेंटेंस में हैड लिखेंगे। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक मैं आपको दिखा दूं जो लेटेस्ट पैटर्न में चलता है, कि जैसे मैंने यहां पर लिखा है इफ आई वर अ बर्ड, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है कि अगर कोई इसे ऐसे लिखे वर आई अ बर्ड तो भी ये वही सेंस देगा, सेम सेम, जी हाँ, ये वैसा ही सेंस देगा जैसा कि ये ऊपर वाला सेंटेंस दे रहा है। मतलब ये है कि आप वहां से कंडीशनल वर्ड हटाकर और इमेजिनेशन बताने वाला जो वर्ड है मेरा वर्ड या हैड बीन, अगर आप उससे सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो भी वो उतने ही वैल्यू का होता है, मतलब वो भी प्रेजेंट इमेजिनेशन या पास्ट इमेजिनेशन को दर्शाएगा। तो समझे, मैं समझता हूं कि यहां पर जो दूसरा सवाल हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इफ रंजन वर्ड होना चाहिए, क्योंकि रंजन अभी हमारे यहां हमारी लोकैलिटी का वार्ड कमिश्नर है नहीं, तो वो हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर रंजन होता तो यहां पर क्या है कि इफ रंजन वर द वार्ड कमिश्नर ऑफ माय लोकैलिटी ही वुड वर्क वंडर्स। मतलब ये है अगर वो हमारा प्रेजेंट टाइम में हो जाए, मैं इमेजिन करता हूं, तो वो अच्छा काम करे। अब अगला सवाल देखा जाए तो अगले सवाल में है कि सी वुड हैव अर्नड लॉट ऑफ मनी। चलिए अगला सवाल देखा जाए, had she opened an institute at Boring Road, she would have earned a lot of money। अब यहां पर देखा जाए कि जो यहां तीसरा सवाल है उसमें अभी जो मैंने डिस्कशन किया है उसी के की पर रिलेटेड ये सवाल है। लिखा हुआ है कि had she opened, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है had she opened, और मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि इस सेंटेंस में इस लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, तो साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है इसका मतलब है कि ये यस नो क्वेश्चन नहीं है, और ये यस नो क्वेश्चन नहीं है इसलिए यहां पर इमेजिनेशन के चांसेस है कि हैड सी ओपन्ड एन इंस्टीट्यूट एट बोरिंग रोड सी वुड हैव। अब जो दूसरा मेरा ये एस सी का पोर्शन है और पी सी के पोर्शन में लिखा हुआ है सी वुड हैव अर्नड, जी हाँ, यहां पर लिखा हुआ है सी वुड हैव अर्नड। तो यहां देखिए यहां जो मेरा पैटर्न है वो हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3 ये पैटर्न पूरा हो रहा है, और मैंने अभी अभी बताया आपको कि एससी में अगर आप चाहो तो इफ यानी कि कंडीशनल कंजंक्शन को हटा करके आप हेल्पर को बाहर ला करके लिखोगे तो भी सेंस वही आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इफ आई वर अ बर्ड लिखता हूं या वर आई अ बर्ड लिखता हूं, बात दोनों की सेम ही है, तो इस लिहाजन ये सेंटेंस मेरा जो है नो एरर है, और इसीलिए इस तीसरे सवाल का जो आंसर है वो ई है, और मैं समझता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए तो अगले सवाल में जो कह रहा है वो कह रहा है माई लैंडलॉर्ड वुड हैव टोल्ड मी टू लीव हिज हाउस इमीडिएटली इफ माई फादर वुड नॉट, इफ माई फादर वुड नॉट। जी हां, सवाल में यहां पर देख रहा हूं कि सी वाले हिस्से में क्या लिखा हुआ है इफ माई फादर वुड नॉट, और मैंने अभी आपको जो पहले सवाल को सॉल्व करके दिखाया वहां पर मैंने आपको यह बताया कि सबॉर्डिनेट क्लॉज में कभी भी हम
कभी भी कोई भी फॉर्मेट हम विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे या विल या फिर वुड, यानी कि उसके कोई भी फॉर्मेट, चाहे वो प्रेजेंट का फॉर्मेट हो या पास्ट का फॉर्मेट हो, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। कंडीशनल क्लॉज में यानी कि सबॉर्डिनेट क्लॉज में कभी भी फ्यूचर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे कि माय लैंडलॉर्ड वुड हैव टोल्ड मी टू लीव हिज हाउस इमीडिएटली इफ माय फादर वुड नॉट हैव कम टू मी। यहां पर उड नहीं होना चाहिए, और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जो आंसर है वो है सी। जी हां, मैं समझता हूं कि ये आप बखूबी समझ गए होंगे और ये आप याद रख पाएंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, चाहे वो इमेजिनेशन के सेंटेंस हो और सबॉर्डिनेट और प्रिंसिपल से रिलेटेड सेंटेंसेस दिए गए हो, आप उसके सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहां पर अब फिर अगला सवाल देखते हैं, जो यहां अगला सवाल है वो है द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड नॉट सबमिटेड हिज रिपोर्ट अंटिल ही हैड इन्वेस्टिगेटेड द केस। यहां पर कह रहा है कि द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड नॉट सबमिटेड हिज रिपोर्ट अंटिल ही हैड इन्वेस्टिगेटेड द केस। अब देखिए ये टेंस से रिलेटेड नॉर्मल सवाल है, और मैं बता दूं कि टेंस का जो सवाल है, जब उसमें टाइम गैप, वैलिड टाइम गैप, वैलिड टाइम इंटरवल, जी हाँ, वैलिड टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, अगर ये दिया हुआ है तो हमें टेंस अलग अलग लिखना होता है। जैसे आप सेंटेंस पढ़ चुके होंगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन, या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आप यहां पर देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वो हैड प्लस V3 का इस्तेमाल किया गया है, और एक तरफ जो है वो V2 का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि दोनों काम के समय में अंतर है। जब आपके पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई, इसका मतलब है कि आप, ऐसा तो नहीं है जब आप स्टेशन पे पहुंच गए उस समय गाड़ी खुली, तब तो उसमें टाइम गैप नहीं हुआ। मतलब यह है कि आपके स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी खुल गई, तब हम यहां पर टेंस जो है स्विच करते हैं। तो हमें इस सवाल को देखना चाहिए, यहां लिखा हुआ है द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैड नॉट सबमिटेड हिज रिपोर्ट अंटिल ही हैड इन्वेस्टिगेटेड। अब इसमें क्या है कि हमारा जो सवाल है उसके पहले हिस्से में भी है हैड सबमिटेड, Had not submitted, क्या है Had not submitted जो पहला हिस्सा है, और फिर दूसरे हिस्से में भी है कि had investigated। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी तो है, कि दोनों जो है वो एक ही टेंस में लिखा हुआ है जो कि पास्ट का परफेक्ट है। जी हाँ, had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है जो कि पास्ट का परफेक्ट है। तो यहां पर क्लियर है कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि भैया जब केस इन्वेस्टिगेट होगा और जब उसका रिपोर्ट सबमिट होगा, इसके बीच में एक वैलिड गैप है, तो इस वैलिड गैप में हमें टेंस स्विच करना चाहिए। लेकिन कौन सा स्विच करें और कैसे करें, तो इस पर चलिए हम की आपको बता देते हैं। यहां पर क्या है कि यहां चर्चा दो टेंस की है, लेकिन मैं आपको चारों के लिए बता देता हूं कि अगर आप सबसे पहले पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट सिंपल, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, और उससे पहले प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूअस, यहां पर भी पास्ट सिंपल या कंटिन्यूअस, अब अगर हम इधर, अगर हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट मींस कि अगर हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ सोचें, तो हमारे सेंटेंस का क्रम जो होगा वो यही होगा कि पहला टेंस अगर हम प्रेजेंट सिंपल लिख रहे हैं तो उससे पुराना प्रेजेंट परफेक्ट होगा, उससे पुराना पास्ट सिंपल होगा, और सबसे पुराना जो होगा वो पास्ट का परफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं, That means, अगर हम उल्टा सोच रहे हैं कि पास्ट टाइम से हम प्रेजेंट टाइम पर विचार कर रहे हैं, तो सबसे पुराना जो होगा वो पास्ट परफेक्ट, उससे जो रिसेंट होगा वो होगा पास्ट सिंपल, और उससे जो रिसेंट होगा वो होगा प्रेजेंट का परफेक्ट, और सबसे रिसेंट में प्रेजेंट सिंपल या कंटिन्यूअस आप लिख सकते हैं। तो अब यहां पर विचार किया जाए कि पहले इन्वेस्टिगेट होगा केस या पहले रिपोर्ट दिया जाएगा।
पहले रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, यानी पुराना काम कौन सा है और नया काम कौन सा है। हम क्रम में अगर इसको सजाएं तो हम आसानी से समझ पाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन पहले होगा और बाद में रिपोर्ट सबमिट होगा। तो मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन वाला जो है वो हेड प्लस V3 पे होना चाहिए और जो रिपोर्ट सबमिट की बात है वो V2 पे होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि पहले यानी पुराने पास्ट टाइम में इन्वेस्टिगेट होगा और रीसेंट टाइम में, जब वो रीसेंट पास्ट कह सकते हो तो उसमें हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो इस सेंटेंस में जो गड़बड़ी है यहां पर, वो हैड नॉट की जगह पर हैड नॉट सबमिटेड को हटाकर डिड नॉट सबमिट होना चाहिए। जी हां, और इसीलिए जो इस सवाल का आंसर होगा वो आंसर हमारा हो जाएगा बी। जी हां, हैड नॉट सबमिटेड को हटाकर, Had not submitted को हटाकर हम did not submit करेंगे तो मेरा यह सेंटेंस सही हो जाएगा। और जो फाइनल फॉर्म होगा कि the investigating officer did not submit his report until he had investigated the case। मैं समझता हूं कि ये पांचों सवाल जो मैंने आज यहां पर डिस्कस किए ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं यहां पर एक बार फिर से की रिव्यू कर दूं। जो सबसे पहला की मैंने बताया वो रिलेटेड टू सबॉर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज था, कि जब कभी भी हम एक कंप्लीट सेंटेंस लिखने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सबॉर्डिनेट एंड प्रिंसिपल क्लॉज तो मुझे दोनों लिखना पड़ेगा। और सबॉर्डिनेट क्लॉज अगर मेरा प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है तो प्रिंसिपल क्लॉज या तो वो फ्यूचर सिंपल में होगा या फिर जैसा दिया हुआ हो, कैन के साथ, मे के साथ, सुड के साथ, आप वहां पर लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका सबॉर्डिनेट पास्ट में लिखा गया है, मैं यहां पर एक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पास्ट टाइम की बात कर रहा हूं, तो अब यहां पर एक्शन और टाइम इसके लिए मैंने यहां पर जो है सजेस्टेड वीडियो में लगा दिया है, आप उस वीडियो को क्लिक करके आप वहां पर समझ सकते हैं कि ये टाइम और टेंस में वर्ब और बिना वर्ब के कैसे समझेंगे। तो जब हम उसे पास्ट में लिखते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो वुड के साथ लिखा जाएगा या एज गिवन के पास्ट में लिखा जाएगा। उसके बाद जो तीसरा है कि अगर हम अपने सबॉर्डिनेट को वर्ब के सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल में लिखते हैं तो मुझे प्रिंसिपल क्लॉज को हैड प्लस V3 में लिखना होगा। और चौथा, अगर हम अपने सबॉर्डिनेट क्लॉज को हैड प्लस V3 में लिखते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज वुड हैव प्लस V3 में लिखाएगा। इसके बाद जो दूसरा की आया वो था इमेजिनेशन से। इमेजिनेशन मतलब अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन मुझे दर्शाना है तो मुझे वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, पास्ट इमेजिनेशन दर्शाना है तो हैड बिन का इस्तेमाल करना होगा, और अगर वर्तमान समय में किसी चीज की कमी खले तो हम सेंटेंस में हैड का इस्तेमाल करेंगे। एक और बात बताई यहां पर मैंने कि अगर आपने कोई इमेजिनरी सेंटेंस लिख रखा है कंडीशनल क्लॉज कंजंक्शन के साथ तो आप उस कंजंक्शन को हटाकर वर्ब को या हैड को बाहर ले आएंगे तो भी वो कंडीशन ही बताएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था कि इफ आई वर अ बर्ड, अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं कि वर आई अ बर्ड तो भी ये कंडीशन इमेजिनरी का ही होगा। उसके बाद फिर जो तीसरा सवाल आया उसमें भी वही था, और लाखरी जो मैंने बताया कि अगर हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ चलते हैं तो सबसे मेरा जो पहला टेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उससे जो पुराना होगा यानी बीता हुआ होगा वो प्रेजेंट का परफेक्ट होगा, उससे ज्यादा में जाएंगे तो पास्ट का सिंपल और सबसे पुराना पास्ट का परफेक्ट। अगर हम पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आए तो टाइम जो होता है वो इस तरीके से चलता है, अगर हम सबसे पुराने समय को सोचें तो वो पास्ट का परफेक्ट होगा, उससे रीसेंट पास्ट का सिंपल, उससे रीसेंट प्रेजेंट का परफेक्ट, और सबसे रीसेंट प्रेजेंट का सिंपल या कंटिन्यूअस। इसी पर जो आखिरी सवाल, जो पांचवा सवाल था वो आधारित था। मैं समझता हूं कि ये एपिसोड आपके लिए मददगार साबित होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबाएं ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट की जो नोटिफिकेशन है वो पहुंचे, और जो लोग पहले से ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो है शेयर करें। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स आपका हमेशा आभारी रहेगा जब आप इसे वैसे बच्चों तक पहुंचाएंगे जो किसी भी कक्षा में फी देकर पढ़ने में सक्षम नहीं है। जी हां, ये वीडियो विशेष करके उन लोगों को समर्पित है जिन तक या तो मेरी पहुंच नहीं है या जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो प्लीज आप इसे शेयर जरूर करें। और एक और बात कि जमकर पढ़ाई हो रही होगी, भूलना नहीं है बिल्कुल, एपिसोड भले ही कितने इंटरवल पढ़ाए जमकर पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए ताकि SBI इस बार आपका होना चाहिए। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।